नमस्ते योगी, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज का अपना सेशन है वो है प्राणायाम का। प्राणायाम, वैसे में अपना प्रेगनेंसी सीरीज चल रहा है, लेकिन ये जो प्राणायाम है इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि प्रेग्नेंट लेडी ही करेंगे। हाँ, कुछ मॉडिफाई जरूर किया है, लेकिन इसमें महिला, पुरुष और किसी भी एज के कर सकते हैं। प्रेगनेंसी में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनको हमें अवॉइड करते हुए उनको मॉडिफाई करना पड़ता है, तो एक दो प्राणायाम ऐसे हैं जिनको मैंने मॉडिफाई किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरोज चौधरी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड फिटनेस वर्ल्ड। सबसे पहले तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें और ऐसे जो लेडीज जो आसपास में हैं उनके साथ शेयर करें। आप कई लोग ऐसे सोचते होंगे कि ये सिर्फ है ना प्रेगनेंसी के लिए है योगा जाए, इसलिए हम सब्सक्राइब क्योंकि हमारे काम की चीज़ नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अपकमिंग वीडियोस में आपके लिए, आगे के वीडियोस हैं उसमें हर तरह के वीडियोस लेके आऊँगी। ये मेरी एक सीरीज चल रही है जिसको मुझे पूरा करना है। इसके पूरा करने के बाद में हर तरह के आपके वेट लॉस के, आपका डाइट प्लान और जो स्किन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी तरह के वीडियोज आपके लिए लेके आएंगे। लेकिन इससे पहले जो मेरी सीरीज चल रही है उसको मुझे कंप्लीट करना है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा ये, जो मैंने मेरे 10 से 12 साल के एक्सपीरियंस में जो सीखा है। कुछ चीज़ें अनुभव से सीखी हैं और कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि मेरे खुद के साथ हुई और मैंने अप्लाई करके उनको, मतलब उनको प्रैक्टिकल करके सीखा है जो मेरे साथ में हुआ है और उससे मुझे फायदा भी हुआ है। तो वही चीजें, वही अनुभव मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। इस जो प्राणायाम कराऊंगी इसके लिए सबसे पहले गर्भवती महिला के लिए क्या फायदे हैं कि एक तो आपके जो लेबर पेन है उसमें बहुत रिलीफ मिलेगा, दूसरा आपका ब्लड का सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छा रहेगा और आपके बेबी को सारे पोषक तत्व मिलेंगे, तीसरा ये कि आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेगा यानी कि अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालेगा, चौथा ये कि आपका जो ऑक्सीजन का प्रवाह है वो बहुत अच्छा रहेगा, पांचवा तनाव कम करेगा और छठा नंबर ये कि आपको सकारात्मकता की तरफ ले जाएगा, आपके नेगेटिविटी आपके जो दिमाग में है उसको निकालेगा और सकारात्मकता की जो सोच होती है वो अंदर लाएगा। तो पहला अपना प्राणायाम है वो है समावृत्ति प्राणायाम। समावृत्ति प्राणायाम में क्या करना है, हर प्राणायाम हर योगा योगा में क्या होता है, योगा में भी सिर्फ ब्रीथिंग होती है, ब्रीथिंग का मेन रोल होता है, एक्सरसाइज भी होती है, लेकिन एक्सरसाइज से आप सिर्फ वेट लॉस कर सकते हैं, लेकिन जो आपके अंदर से जो हॉर्मोन्स वगैरह वो जो सांस लंबी लंबी सांस से लेते हैं उससे जो बदलाव आता है वो आपकी एक्सरसाइज से नहीं आएगा, ऊपरी बदलाव आएगा, लेकिन आंतरिक जो बदलाव आता है वो सिर्फ योगा से और प्राणायाम से आएगा। प्राणायाम तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी एज में हो, कोई भी हो, सभी को करना चाहिए और जरूरी भी है। ये आज की जो बिजी लाइफ है उसके लिए बहुत ज़्यादा ये प्राणायाम जरूरी है, मतलब आपके दिमाग को फ्रेश रखता है, ताजगी रखता है उसमें। चलिए शुरू करते हैं। पहला अपना प्राणायाम है समावर्ती प्राणायाम। समावर्ती प्राणायाम में अपन क्या करेंगे, इसी तरीके से आपको प्राणायाम की मुद्रा में बैठना है और आपको लंबी लंबी पांच पांच गिने वहां तक सांस लेनी है, पांच गिने वहां तक सांस छोड़नी है, यानी कि काउंटिंग आपको अंदर करनी है, बराबर सांस अंदर लेनी है और बराबर सांस छोड़नी है, इस तरीके से करना है। सिर्फ सांसें लेनी है लंबी लंबी और सांसें छोड़नी है, आईज क्लोज करके, आंखें बंद करके ही करें और आंखें खोल के तो बिल्कुल भी प्राणायाम ना करें। चलिए आंखें बंद करें, लंबी सी सांस लें, सांस छोड़ें, एक साइकिल पूरा हो गया अपना। दो साइकिल, तीन साइकिल, चार साइकिल, पांच साइकिल, छह साइकिल,
इस तरीके से आपको 10 साइकिल पूरी करनी है। मैं पूरा नहीं बता पाऊंगी क्योंकि 10 साइकिल पूरी करूंगी तो मेरा वीडियो की लेंथ है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए उसको शॉर्ट करने के लिए मैं आपको सारे जो भी नियम है हर प्राणायाम के वो मैं बताऊंगी और दो दो तीन तीन साइकिल आपके साथ कंप्लीट करूंगी। उसी तरीके से आपको भी करना है। दूसरा अपना प्राणायाम है वो है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में आपको कैसे करना है, इस तरीके से मुद्रा बनानी है प्राणायाम की और इस तरीके से आपको बाई नाक से सांस लेना है। बाई नाक से सांस लेते हुए दाई नाक से निकालना है, फिर दाई नाक से सांस लेके बाई नाक से निकालना है। ये अपना एक साइकिल पूरा होता है। इस तरीके से आप प्राणायाम को तो कम से कम 10 साइकिल या 15 साइकिल या 20 साइकिल जितने लंबे आप 10 मिनट तक तो करना ही है, उतना आप लंबा कर कीजिए, बहुत फायदा रहता है इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। सांस अंदर बाई नाक से, दाई से छोड़े, वापिस ले दाई से, वापिस बाई से छोड़े, एक साइकिल, बाई से सांस लें, दाई से छोड़े, दाई से सांस लें, बाई से छोड़े, दो साइकिल, बाई से सांस लें, दाई से छोड़ें, दाई से सांस लें, बाई से छोड़ें, तीन साइकिल, चार साइकिल। इस तरीके से आपको 10 मिनट तक ये अनुलोम विलोम करना है। तीसरा अपना प्राणायाम है वो है चंद्र भेदन प्राणायाम, जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का था उसमें भी बताया है। चंद्र भेदन प्राणायाम कैसे करना है आपको, बाई नाक से सांस लेना है, दाई नाक से छोड़ना है, ये अपना एक साइकिल हो गया। फिर वापिस से आपको दाई नाक से सांस नहीं लेना है, वापिस से बाई से ही सांस लेना और दाई से छोड़ना है, बाई से सांस लेना है, दाई से छोड़ना है, ये आपके साइकिल बनते जाएंगे। इस तरीके से आप 10 से 15 तक साइकिल कर सकते हैं, 10 से 15 बार आपको करना है। बाई से सांस लें, दाई से छोड़ें, एक साइकिल, वापिस से बाई से सांस लें, दाई से छोड़ें, दो साइकिल, बाई से सांस लें, दाई से छोड़ें, तीन साइकिल, बाई से सांस लें, दाई से छोड़े, चार साइकिल, बाई से सांस लें, दाई से छोड़े, पांच साइकिल। इस तरीके से इसके भी आपको 10 से 15 साइकिल करने हैं। चंद्र भेदन प्राणायाम हो गए, इसके बाद में अपना है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम में क्या करते हैं कि अपन नॉर्मल तो क्या करते हैं कि इसमें आपको गले से टकरा के बीत सांस को है वो होल्ड लेते हैं, होल्ड करते हैं, लेकिन इसके अंदर जो प्रेगनेंसी है इसके अंदर आपको सांस को किसी भी योगा पोज में, किसी भी प्राणायाम में, कहीं पे भी आपको रोकना नहीं है। बाकी जो लोग हैं नॉर्मल वो सांस को थोड़ी देर रोक सकते हैं, आपको सिर्फ इसमें उज्जयी प्राणायाम में क्या करना है कि सांस ही लेना है, लेकिन वो सांस आपको गले से टकराते हुए बराबर लेना है और उसी स्पीड से आपको बराबर उतनी ही सांस को छोड़ना है गले से टकराते हुए, गले से टकराते हुए। ये जो उज्जयी प्राणायाम है वो थायराइड के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है। जिसके भी थायराइड है वो रोज करे, 10 से 15 मिनट 20 मिनट रोज करे, बहुत अच्छा फायदेमंद है। ऐसा मैंने खुद ने प्रैक्टिकल किया है, मेरे भी ऐसी समस्या थी। तो आप लोग जो प्रेगनेंसी में है उनको सांस नहीं रोकना है, जो प्रेगनेंसी में नहीं है वो अंदर सांस लेते तो उसको थोड़ी देर आप रोक सकते हैं, फिर उसको उसी समांतर मात्रा से बाहर निकालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। गले से टकरा कर लेना है सांस को, गले से टकरा कर सांस बाहर निकालना है।
एक साइकिल, दो साइकिल, तीन साइकिल, चार साइकिल, पांच साइकिल। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। ये गले का गले से टकरा के हो रहा है, इसलिए थायराइड के लिए इम्पोर्टेंट है। अपना अगला प्राणायाम है वो शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम में क्या होता है कि जैसे अपने अंदर अचानक से गर्मी आती है बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर, या जब प्रेग्नेंट लेडी, उसमें तो खासकर ये चीजें रहती हैं कि जैसे एसिडिटी होना, बहुत ज्यादा खट्टी खट्टी दकारें आती हैं और कब्ज रहती है, तो उसके लिए शीतकारी प्राणायाम 5 से 10 मिनट तक करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और प्रेगनेंसी में तो आपको करना ही करना है। नॉर्मली भी जिसके बीपी हाई रहता है, पसीना आता है, अचानक से गर्मी लगती है, तो वो भी करें। प्राणायाम की मुद्रा में बैठना है, फिर जीभ को आपको क्या करना है, रोल करना है, जीभ से मुंह से सांस लेना है और फिर बाई नाक से आपको सांस को बाहर निकालना है, ये करना है। बस इतना ही रोल है इसका। एक साइकिल हो गया अपना, इस तरीके से 5 से 10 मिनट तक करना है। सारे प्राणायाम करने के बाद में आपको ओम का उच्चारण करना है। और जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनको तो डेली प्राणायाम करना है। आप चाहे नीचे नहीं बैठ सकते हैं, सोफे पे बैठें, आप चेयर पे बैठें, गद्दे पे बैठें, इस तरीके से टॉवल नीचे लगा सकते हैं तो वैसे बैठें, या फिर बेड पे बैठें, कैसे भी बैठ के जैसे आपको कंफर्टेबल है वैसे करेंगे आप लोग। सुबह पॉसिबल हो तो सुबह करें, सुबह नहीं हो तो आप खाने के 1-1.5 घंटे बाद में फिर कभी भी करें। मेन सांसों का रोल होता है, ब्रीदिंग का रोल होता है। चलिए, नमस्कार की मुद्रा में, ओम की मुद्रा में 3 बार उच्चारण करेंगे ओम का। आंखें बंद करें, सांस को अंदर भरें, धीरे धीरे हाथों को रख करके अपनी आंखों पे, चेहरे पे, कंधे पे, इस तरीके से धीरे धीरे आंखें खोलें। आज का अपना सेशन है वो वहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में फिर कभी आपके लिए कुछ नया टॉपिक, कुछ नई चीज़ें लेके आऊँगी। लेकिन वीडियो आपका आज का सेशन कैसा लगा इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। कमेंट में ज़रूर लिखें, और किसी भी तरह की कोई क्वेरीज है तो वो भी आप लिख सकते हैं। थैंक
तब तक के लिए नमस्कार।